कैप्टन सफदर का जमीर जाग उठा है या पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। उनका कहना था कि मरियम नवाज को मैं वजीर आजम बनता नहीं देख रहा, शहबाज शरीफ ने हुकूमत लेके गलती की और नवाज शरीफ का वोट को इज्जत देकर बयानिया पुराना हो चुका है। कि निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकी है मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार। अच्छा इनकी हिस्ट्री में शामिल है, ये मक्के में बैठकर भी झूठ बोल चुके हैं। जमीर बेचकर ही तो मुल्क को आज दिवालियापन की हद तक पहुंचाया गया है। ये शहबाज ग्रुप और नवाज ग्रुप की लड़ाई है जिसके लिए राय आमा को हमवार किया जा रहा है और कैप्टन साहब उसमें बतौर एक टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। जी कैप्टन साहब, मरियम साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। देखिए जी, अगर मियां साहब 2025 तक वजीर आजम रहेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, कैप्टन सफदर का जमीर जाग उठा है या पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। कैप्टन सफदर ने अपनी ही पार्टी नून लीग के खिलाफ बयान दिए और मरियम नवाज का दिल तोड़ दिया। उनका कहना था कि मरियम नवाज को मैं वजीर आजम बनता नहीं देख रहा, शहबाज शरीफ ने हुकूमत लेके गलती की और नवाज शरीफ का वोट को इज्जत देकर बयानिया पुराना हो चुका है। आइए लोगों से जानते हैं कि कैप्टन सफदर अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो नून लीग की जो सीनियर क्यादत है वो भी नाराज़ दिखाई देती है। मरियम नवाज पार्टी के लिए कितना खतरा है, आइए लोगों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत अली शौकत है जी। जी शौकत साहब, मुझे ये बताइए कि कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज के खिलाफ नून लीग के खिलाफ बयान दिए हैं दादा के मज़ार पर बैठ के, वहाँ बंदा सच ही बोलता है, क्या समझते हैं ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि कैप्टन सदर भी ऐसे बयान देने शुरू हो गए? बड़ी अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा आपका, लेकिन आपने एक लफ्ज़ कहा है कि दादा साहब के दरबार पे बैठ के लोग सच बोलते हैं, लेकिन जिस जमात के साथ कैप्टन साहब का ताल्लुक है इनकी हिस्ट्री में शामिल है, ये मक्के में बैठकर भी झूठ बोल चुके हैं। तो जो कैप्टन साहब ने इस वक्त कहा, एक शायर की ज़ुबान में मैं अर्ज़ करूँगा कि निकल जाती हो जिसके मुँह से सच्ची बात मस्ती में, फकी है मसलहत भी से वो रिंदे बादा खार। अच्छा लेकिन यहाँ पे बात सच्चाई और झूठ की नहीं है। आपने अभी, मैं देख रहा था अपने इंट्रो में कहा है कि ज़मीर की आवाज़ पर, ज़मीर की सौदागरी करके ही तो इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया है। ज़मीर बेचकर ही तो मुल्क को आज दिवालियापन की हद तक पहुँचाया गया है। इन लोगों का कोई ज़मीर नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई का शाखसाना है। ये शहबाज ग्रुप और नवाज ग्रुप की लड़ाई है जिसके लिए राय आमा को हमवार किया जा रहा है और कैप्टन साहब उसमें बतौर एक टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि कैप्टन साहब जो हैं वो मरियम साहब के साथ क्यों नहीं खड़े? जी कैप्टन साहब, मरियम साहब के बगैर कुछ भी नहीं है, वो हैं ही मरियम सफदर के नुमाइंदे हैं और वो माहौल बना रहे हैं जिसमें आने वाले वक्त में लोग नवाज शरीफ पर दोबारा ट्रस्ट करें और एक बार फिर धोखा खाएं इनसे। लेकिन अब आवाम बड़ी सियानी हो चुकी है, ये आप मीडिया का शुक्रिया है, आप मीडिया की कारकर्दगी है कि आपने आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि आज लोग हक और सच को अलग अलग हैसियत से पहचान रहे हैं। सर जब इन्होंने हुकूमत ली थी, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, सबको पता हुआ है, तो इनका कहना यह था कि ये महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं। अब इनके अंदर से ही आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत लेके बहुत बड़ी गलती की थी। जी महंगाई ख़त्म करने के लिए, देखें मियां शहबाज शरीफ साहब ने 85 वज़रा भर्ती कर लिए हैं, अब और वो क्या कर सकते हैं। आपने वो बंदर वाला लतीफ़ा तो सुना होगा ना, जिसमें वो कहता है कि मैं बड़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी किस्मत है। मियां साहब बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने कोशिश की थी कि तुर्की में जाकर वहाँ से भी अगर कुछ मिल सके तो इस हालात में भी वो पाकिस्तानियों के लिए लाएँ। और दूसरा आपने देखा है कि सैलाब जदगान को मिलने वाले कंबल मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए थे। महंगाई ना पहले इनका इशू था ना आज इनका इशू है। अगर महंगाई इशू होता तो फिर मुशर्रफ के दौर में 10 रुपये किलो आटा था, वो मियां साहब के दौर में 60 रुपये तक क्यों गया था? महंगाई इनका कभी इशू नहीं रहा मेरे भाई। ये लोग अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे और कुछ जो नामालूम है उनको रिलीफ देने के लिए आए थे। सर जब से मरियम नवाज को सदारत दी गई है पार्टी की, सीनियर लीडरान जो हैं वो नाराज़ दिखाई देते हैं। शाहद खान अब्बासी जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं अपने अहदे से। कैप्टन सफदर ने उसी बयानात में इनका भी जिक्र किया कि ये लोग जो हैं नाराज़ दिखाई देते हैं। नवाज शरीफ की लोग जाके चापलूसी करते हैं, टिकट लेते हैं अपने गांव में जाके एमएनए बनने के लिए, ये बयानियाँ क्यों बनाया जा रहा है?
ये बयानिया जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि लोगों को इस वक्त गुमराह करने के लिए बनाया जा रहा है। सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, आप मेहताब अब्बासी साहब को भी देखें, वो भी नून लीग इस वक्त छोड़ चुके हैं। लोग देखें जी, ये जो इमरान खान ने एक शऊर दिया है ख़ानदानी सियासत का, लोग अब ख़ानदानी सियासत को पसंद नहीं करते, नए लोगों को आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक और इस तरह के नून लीग के अंदर बड़े बहुत से लोग हैं, पीपल्स पार्टी में इतलाज अहसन साहब जैसे लोग हैं, उन लोगों को कभी मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्या कसूर है उनका? वो 40-50 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो इस मुल्क के मामलात को बेहतर समझते हैं। लेकिन होता ये है कि यहाँ पर बच्चों को इम्पोर्ट किया जाता है, पहले उनकी परवरिश यूरोप में करवाई जाती है, उसके बाद उनको इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में हुकूमत दे दी जाती है। उनको हमारे मसाइल का ही नहीं पता। हमारे मसाइल का राणा अरशद साहब को पता है, मियां आतफ साहब को पता है, ख्वाजा आसफ साहब को पता है, साद रफीक को पता है, लोकल की आदत को पता है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है कि नून लीग के जो लोग भी इस वक्त मरियम साहिबा की क़यादत से इतराब कर रहे हैं, वो मुहिब वतन होने का सबूत दे रहे हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। यही रवैया होना चाहिए कि अगर हम पर कोई स्काई लैब के ज़रिए मुसलत किया जाए तो हमें उसको इंडोर्स करना चाहिए। सर, इलेक्शन पे आ जाते हैं, हम लोगों से जाके गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, सर्वे हो जाता है छोटा सा, लोग इलेक्शन मांग रहे हैं कि मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। और कैप्टन सफदर ने अपने बयान में ये कहा कि मैं इलेक्शन को होता हुआ नहीं देख रहा, शहबाज शरीफ 2025 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। आवाम क्या समझती है, इलेक्शन होने चाहिए या इनको वज़ीर आज़म रहना चाहिए? देखिए जी, अगर मियाँ साहब 2025 तक वज़ीर आज़म रहेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, आप इस वक्त बाज़ार में खड़े हैं, मैं एक ताजर हूँ, आप किसी बंदे के सामने माइक करें, वो इस वक्त बम नहीं एटम बम बन चुका है। अगर हालात इसी नहज पे चलते रहे, जिस तरह महंगाई हो रही है, जब लोग अपने बच्चे मारने पर आएंगे तो वो लीडरों को क्यों छोड़ेंगे? लोग अपना गुस्सा अपनी ज़ात पे कब तक निकालेंगे, कब तक खुदकुशियां करेंगे? आखिर में एक वक्त आएगा जब लोग खुदकुशी नहीं करेंगे, लोग अपने हथियार लेकर इनके दरवाज़ों पर जाएंगे और फिर मुल्क में खाना जंगी का एक बदतरीन दौर शुरू होगा। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा अपनी हुकूमत से और मुक्तदर हलकों से और इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करें, इसका और कोई हल नहीं है। ये बयानियाँ क्यों बनाया जा रहा है, इमरान खान की तारीफ करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी उन्हें? देखिए, इमरान खान की तारीफ है, सिर्फ कैप्टन सफदर साहब ही नहीं कर रहे, इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है, आपको 75 से 80% लोग उसकी तारीफ करते नज़र आएंगे और यही खौफ इनको इंतखाबात से दूर कर रहा है। इसी खौफ की वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि अगर 10-12 हज़ार वोट का फ़र्क होगा तो फिर तो वो गायबाना कापियां आ जाएंगी संदूकड़ियों में, लेकिन यहाँ पे फ़र्क निकलेगा 50-50 हज़ार का। हर बंदा इमरान खान की तारीफ कर रहा है और ये लोगों के दिलों में नरम गोशा बनाने के लिए अपने लिए कैप्टन साहब ने ये बयान दिया। हाँ, ये बताइएगा, जो हजरात बिक गए थे कौम के बगोल, जो लोटे हो गए थे, जो 25 अरकान थे, जो मुनहरफ अरकान थे, उनके बारे में कैप्टन सफदर ने कहा कि अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करनी चाहिए, आपने जिसके टिकट पे इलेक्शन लड़ा हो उसके साथ वफादारी दिखाएं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं, अब टिकट्स बांटने पे जब इनका रोला पड़ेगा, जो इनके पुराने उम्मीदवार उसी हल्के से हैं, तो ये बयानियाँ इसलिए तो बनाया जा रहा है कि उनको वापस किया जा रहा है? जी, इस वक्त जो सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें मैंने भी देखी हैं कि तकरीबन कोई 20 लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है नून लीग का टिकट लेने से। ये असल में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था, जो सियासत उन्होंने की थी जब उन्हें हुकूमत से निकाला गया था, वो अवाम का पसंदीदा बयानिया था। लोग चाहते हैं कि आप, अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है, अगर कोई लोगों के मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन करता है, तो आप उसके सामने स्टैंड लें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज 40 साल से ज़्यादा शहीद हुए हो चुके हैं, ये कौम आज भी उनका नाम एहतराम से क्यों लेती है? क्योंकि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और इमरान खान भी आज उसी नहज पे चल रहा है, इमरान खान भी आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह स्टैंड ले चुका है, वो असल में वोट को इज्जत दिला रहा है। जी नाज़रीन, आपने देखा हम बाज़ार में मौजूद थे, हमारे तमाम सवालात के जवाब एक ही शख्स जो कि शौकत साहब शौकत हैं, व्हील चेयर पर ऊपर बैठे हुए हैं, ताजर हैं,
इन्होंने दे दिए हैं। पूरी वीडियो का पोस्टमार्टम जो कैप्टन सफदर की सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, पूरी वीडियो का पोस्टमार्टम शोके साहब ने कर दिया है। हम किसी और से बात नहीं करेंगे, हमें तमाम जवाब जो हैं वो इन्हीं से मिल चुके हैं। आपकी क्या राय है, नून लीग क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज। खूने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।